छुपी है जाए साम दाम दंड भेद जे प्रेम शांति आश्रम हमारे हर वाले करवाओ यार। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे जल जा जल जा। शिव भी मैं हूँ और राम भी मैं अहम ब्रह्मास्मि। चलो आज जरा एक क्लास अटेंड कर लो बेटा। आप चिंता मत करिए सर, आपके रिटायरमेंट से पहले हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। पांडे को ही देखो। पांडे नहीं पटेल साहब, पांडे जी कहिए। हाँ पटेल साहब, पांडे जी कहिए। शकल से चपरासी है तो क्या हुआ, डबल एम में है। आपकी तरह आठवीं पास नहीं हूँ। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी पांडे लोग थे उनके पीछे जी लगवाया, बहुत जोर शोर से लगवाया, सबको रेस्पेक्ट दिलवाई, वो है हेमंत पांडे जी आज हमारे साथ। वेलकम टू joinfilms सर। अरे थैंक यू सर। ये जो पांडे जी के पीछे आपने जी जो परमानेंट चिपकाया, मतलब क्या उद्देश्य क्या था सर ये? दरअसल ये हमको भी नहीं मालूम था कि ये चीज़ इतना पॉपुलर होने वाली है। जैसे नॉर्मल शूटिंग्स होती हैं, नॉर्मल सीरियल होते हैं, वैसे हमने ऑफिस को भी लिया और वो देखते ही देखते दो चार पांच एपिसोड में वो अपने रंग दिखाने लगा। हाँ। कि सड़कों पे आप जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं तो आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अंत तक पता नहीं था कि लोग जो है इसमें पांडे जी के, मैं लंदन की सड़कों में भी घूमता हूँ तो लोग पांडे जी ही बोल देते हैं। अरे बाबा पांडे जी, पता लगा वो पाकिस्तान का लीडर पहचानता है। और बड़ी खुशी होती है कलाकार के तौर पे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी मुझे पांडे जी के नाम से जानते हैं। तो ये कोई रोल ऐसा पॉपुलर होता होगा, ये किस्मत वाले कलाकारों की भाग्य। राइट, नहीं लेकिन उसमें सर कहीं ना कहीं कलाकार की वो जो एक प्रैक्टिस होती है सालों साल की, वो किसी एक करेक्टर में या एक रोल में ऐसी निकल के आती है जो कि छाप छोड़ देती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल क्या होता है, हम प्रयास तो हम हर रोल में करते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर उस सीरियल का या उस फिल्म की भी एक कुंडली होती है, वो क्या काम करेगी वो मायने रखता है। राइट राइट। तो कोई चीज़ चल जाती है अगर, तो एक सीन भी होता है तो लोग आपको पहचानते हैं। जैसे रेडी पिक्चर में एक छोटा सा सीन था मेरा। हाँ। तो लोग छोटे पंडित जी के नाम से जानते हैं। हाँ। कुतिया वाले सीन की वजह से। पंडित जी भोजन करके जाइए ना, आज सारा खाना पूजा की पसंद का बना है। हे भगवान, कुत्तों का खाना पंडित को खिलाएंगे? देखिए मैं, आप लोग खा लीजिए, मेरा उपवास है आज, मैं चलता हूँ। अच्छा पंडित, अच्छा पंडित जी। ऑफिस सबका प्रिय सीरियल था, बहुत ज्यादा फेवरेट था। जैसे ही पांडे जी आए और वो जब तक ये नहीं बोले पांडे जी बोलिए, तब तक मतलब मजा नहीं आता था कुछ। एक बार तो क्या हुआ उसका किस्सा, मेरे हाथ में चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था और पट्टी बांधी हुई थी। तो शूटिंग में गए ऑफिस के, बोले राजीव सर बोले कि अरे ये क्या हो गया तेरे? मैंने कहा सर थोड़ा चोट लग गई, बांध दिया। तो अब तो वो एक सीन की शुरुआत में ही हमने उसको इम्प्रोवाइज किया कि अरे पांडे जी क्या हुआ हाथ में? बोले कुछ नहीं यार, कल रात बीबी ने पांडे के आगे जी नहीं लगाया तो वो भी इस्तेमाल हो गया। अब ये बताओ आप हेमंत जी कि आप हो वहाँ से उत्तराखंड से जी, राइट? तो वहाँ से मुंबई ये क्या चक्कर रहा? देखिए मैं तो इस चीज़ को एक यात्रा है, हर व्यक्ति के जीवन की एक यात्रा है कि आप किसी छोटे सी जगह से, छोटे से कोने से, देश के वहाँ से शुरुआत करते हैं, मुंबई जाते हैं या और बहुत बड़ा मुकाम करते हैं। वो एक जर्नी हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है। और मैं इस मामले में अपने आप को उतना वो नहीं इसमें जिम्मेदार मानता, बल्कि अपने कर्मों को, अपने माता पिता के कर्मों को, पता नहीं किसकी वजह से या किसके भाग्य से, या हो सकता है बच्चों के भाग्य से, हो सकता है बीबी के भाग्य से, पता नहीं कौन यहाँ लाया। मतलब मैं इतना ऐसा काबिल तो था नहीं, हाँ ख्वाब जरूर देखता था, सोचता जरूर था कि मैं टीवी में आऊँ। तब रहता था, मन में रहता था, एक ही चैनल था ना तब दूरदर्शन। हाँ, हाँ, हाँ। तो इच्छा थी कि एक बार तो टीवी में आऊँ। तो वो इच्छा दिल्ली जैसे ही आए तो वो पूरी हो गई। अब उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ और लगभग 30 वर्ष की यात्रा ये हो गई है। परमात्मा ने हर पल जो भी दे रखा है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। देखिए सपना तो हर किसी का होता है कि एक बार वो फिल्म या टीवी सीरियल में काम करे। सपना तो सभी का होता है। बिल्कुल। कुछ लोग उस पर काम भी करते हैं, जैसे कि आपने काम करना शुरू किया था। उसके बाद भी सब लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाते, कुछ लोग काम कर लेते हैं और कुछ लोग अपना नाम भी बना लेते हैं। तो आप उस फेहरिस्त में आ चुके हैं जहाँ पर नाम भी बन चुका है। क्या ऐसा रहा खास
जो आप लगातार निरंतर चलते रहे और इस जगह तक पहुंच पाए, आपको जो लगता है अगर पीछे मुड़ के देखें तो? पीछे मुड़ के अगर देखें तो यही याद आता है या यही रहा कि जिस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसका कामयाब होना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। पिताजी पोस्टमैन थे और कम्बाइंड फैमिली थी, 22-23 लोगों का परिवार था, और एक आध बच्चा रो भी रहा होता तो बाद में पता लगता रे नाश्ता मिस हो गया इसका। अच्छा। तो गरीबी और इस तरह का अभाव था और मैं रहना नहीं चाहता था उस माहौल में। मैं हमारे यहाँ एक उत्तराखंड में एक रीत होती है चैत के महीने, मार्च के महीने में शादीशुदा लड़की को उसके भाई और पिताजी की तरफ से, मायके की तरफ से उसको तोहफा दिया जाता है चैत के महीने, भिटौला बोलते हैं उसको। ओके। तो भिटौला, अब मेरी दीदी शादी वहीं पिथौरागढ़ में हुई थी लेकिन वो जिया जी दिल्ली आ गए थे, तो दीदी और वो दिल्ली थे। मेरे पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ थी नहीं कि भिटौला देने मैं जाऊँगा। और माँ, हाँ, और माँ जब टीका लगा रही थी पिथौरागढ़ में निकलते वक्त, तो आंखों में सिर्फ बात हुई थी कि अब नहीं आऊँगा, बस। ओके। कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये मालूम नहीं था, तय कर लिया लेकिन अब आऊँगा नहीं ये तय था। ओके। ये तो बहुत, उस हिसाब से देखा जाए जिस माहौल में आप थे तो बहुत डेरिंग वाला फैसला था। हाँ, अब यही है, जिद्दी भक्तों के आगे ही भगवान झुकते हैं। हाँ हाँ। और उसमें शायद हम इतने वर्षों में दिल्ली में या नाटकों में थिएटर में भूखे रहे प्यासे रहे, वो हमारे लिए दुखद घटना नहीं थी। एक बार 6 रुपये मेरे पास थे, 1-1 रुपये के सिक्के, और 6 रुपये में आता था हाफ राइस। अंधेरी ईस्ट में रहते थे, महाकाली केव्स रोड में, PMGP कॉलोनी। अब मेरे अंदर इतना गिल्ट हो गया क्योंकि 6 ही रुपये थे और वो सिक्के थे, मेरे चेहरे से सब शक्ल में दिख रहा था कि मैं गरीब, मेरे पास खत्म है आज मामला, क्योंकि वो कॉइन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। सिक्के थे। तो मैंने नीचे परचून वाले से 5 रुपये का नोट बनवाया उसका। हाँ। फिर कॉन्फिडेंस आया कि नोट होना चाहिए। हाँ, हाँ। फिर जाके हाफ राइस वहाँ पे खाया। तो ऐसे कितने किस्से हैं, मतलब पता भी नहीं शाम को क्या होगा, दिन भर भूखे हैं, क्योंकि वो चीज़ मायने नहीं रखती कि पैसे हैं या नहीं है। और शाम को पता लगा कोई दोस्त आया और खिला पिला के, ऐसे खिला पिला गया कि पार्टी कर गया, तो ये सब भी होता, ऑलवेज कुछ नया ही होता था। और कपड़े नहीं है, या दिल्ली में भी रहते थे तो लाल किले के पीछे एक वो है चोर बाजार, आजकल लगती है कि नहीं पता, 100 रुपये में आदमी हीरो बन के निकले, 25-30 रुपये में जूते मिल जाते थे, शर्ट पैंट अंग्रेजों के, मरे हुए अंग्रेजों के टिच एकदम, और नाटकों में बड़े अच्छे लगते थे वो। उस सब चीज़ का आनंद लिया, लेकिन उसमें जो तकलीफ हुई रास्ते में, चाहे वो अपमान झेला हो इतने वर्षों में, हर मतलब कोई भी आगे डांट के भी चला गया तो भी कोई डट गए, और अपना ईगो नहीं आने दिया। ईगो आता था लेकिन अब ईगो करोगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं कोई ऑप्शन ये बोलूँ कि व्हाट इज दिस, मैं ऐसे रहता हूँ क्या, क्योंकि मैं ऐसे रह ही नहीं सकता। अब मैं घर वालों को अगर बोलूँगा तो माँ बाप बोलेंगे तो फिर खुद 30-40 रोटी बन रही तो 3-4 और बन जाएंगे, यहीं आ जा। हाँ। तो इस चक्कर में अपनी मुसीबत घर वालों को भी नहीं बता पाते थे। तो मुझे लगता है कि कामयाब होने के लिए अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आपकी विजय के चांस ज़्यादा हैं, तब कामयाबी पक्की है। क्योंकि और हमारे पास इतना अभाव था और वही अभाव हमको प्रभाव में ले गया। लेकिन जब ऐसा कभी गुजर रहा होता था तब कभी विचार आया कि यार मैं प्लान चेंज कर देता हूँ, चले आता हूं, कोई मैं ITO में ना, ITO मंडी है उसके पास ही, मैं वहां सोचता था फॉर्म बेचूं बेरोजगारी के जिससे खर्चा चल जाए। लेकिन जाऊंगा नहीं, हटूंगा नहीं, निरंतर, क्योंकि पता नहीं वो जो माँ तिलक लगा रही थी और मैं और माँ बैठे, क्योंकि कोई बातें तो होती नहीं फिल्मी, और हमारे घर में तो मतलब पिताजी और बेटे का रिलेशन तो उस वक्त की पीढ़ी का ऐसा रहा है कि बाप इस कमरे में तो बेटा उस कमरे में, किलोमीटर दूर। और मतलब आज के माँ बाप को देखता हूँ मैं, वो डर के मारे करते हैं या स्वभाव में परिवर्तन आ गया मालूम नहीं। हाँ। कितना अच्छा रिश्ता हो गया आज। हाँ हाँ। बाप बेटे का, नजदीकी आज की पीढ़ी का नजदीकी आ गई। हमारे टाइम पे तो मतलब पता नहीं कब चप्पल पड़ जाए और कब पिटने का फुल चांस था। कभी पिताजी से कभी नहीं कहा कि मेरे को फिल्मों में जाना है, टीवी पे दिखना है? ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं, दूसरे कमरे से कहा हो ना, ना वो तो फिर तो कुछ, तो हम वैसे ही पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे ना, इमेज बड़ी खराब थी, नाटकों में भाग लेते थे, स्कूल के कल्चरल टीम में मतलब हम
कल्चरल टीम का हिस्सा हम होते थे, इसी वजह से टीचर वीचर हमें पास भी करते थे, राइट। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए, बट समय का चक्र होता, धीरे धीरे जब टीवी पे आने लगे तो पिताजी को लोग बोलने लगे, अरे आपके बेटे को टीवी में देखा। अब हमारे पास टीवी भी नहीं था ना, अच्छा डैंट, फिर कोई बोल रहा, कोई बड़ा आदमी शहर का बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, फिर पता लगा कहीं प्रोग्राम में है, वहाँ डी एम बी है, बोला ये हेमंत पांडे, अच्छा तो डी एम बी खड़े हो गए, तो उनको लगा अरे बड़ी इज्जत है यार ये मेरे बेटे बेटा यार। तो वो धीरे धीरे माहौल हमारा बदलता गया, और आज ये है कि इतने 30 वर्षों के अभिनय की यात्रा के मैं कि मैं एक पुत्र होने के नाते एक मध्यम वर्गीय पिता या निम्न मध्यम वर्गीय पिता के लिए जो जो एक संभावनाएं होती है परमात्मा वो सब मुझसे करवा रहा है अपने माता पिता के लिए। लोग हीरोइनें जो है अपनी मम्मी को लेके विदेश जाती हैं शूटिंगों में, मैं मम्मी पापा को लेके चला जाता, क्या बात है, बहुत। तो मैं प्रोड्यूसर को बोलता हूँ भले पैसे कम दो या काट लो, तो क्योंकि वो एक अलग सुख होता है, बहुत बड़ा सुख, और फिर माँ बाप के साथ रहने का मौका भी मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय कहाँ है शूटिंग के टाइम, बिल्कुल है ना, वही अभाव है। और आपकी फिल्म भी आ रही है, टाइम नहीं है। हाँ एक फिल्म आ रही है, टाइम नहीं है, बिल्कुल। उसमें क्या करेक्टर है आपका? उसमें पंडित जी का किरदार है, वो कॉमेडी है, मनोज शर्मा जी की एक फिल्म है। एक और फिल्म है शर्मा जी की लग गई, वो भी कॉमेडी फिल्म है, उसमें एकदम नए किरदार छिछोरे लल्लन के किरदार में मैं आऊँगा, और अभी सनी देओल साहब के साथ भैया जी सुपरहिट भी आने वाली है, और फिर एक समर कैंप, आपके समर कैंप बच्चों की एक फिल्म है, और ऐसी हैं 2-3 फिल्में नाम। तो अभी काफ़ी सारा काम कर रहे हो आप हेमा जी, लेकिन जो अभाव और संघर्ष थे, जब पहली बार एक सही तरह का सही सा काम मिला, कुछ फील हुआ यार? समझ ही नहीं आया क्या फील हुआ। मैं पहली बार दिल्ली में, मुझे एक सूरदास पे डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, मुझे उस रोल के लिए ले लिया, अब कुछ समझ ना आया। पहली बार जिंदगी में इतने बड़े हार्ड रिफ्लेक्टर, बुराड़ी गांव कहीं शूटिंग, और ऐसे तीर की तरह वो रिफ्लेक्टर चुभते थे, मेरी आँख ही नहीं खुली ऐसे ऐसे, तो ताली बजाने लगे, बोले बहुत बढ़िया कर रहा है तू। अच्छा मेरी हालत खराब, मेरी आँख वैसे नहीं खुली रिफ्लेक्टर की। तो वहाँ ताली बज गई, तो कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार इतनी एक्टिंग तो हमने की तो अभी तो शुरू नहीं किया। हाँ, तो क्या होता है कि हर पल अच्छा आनंद वाला होता है। फिर दिल्ली में आए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी में नाटकों में काम करने का मौका मिला, उसमें तनख्वाह मिलने लगी, तो वो बहुत बड़ी बात थी, 2500 रुपये तनख्वाह मिलते थे। तब तक मैं नया कपड़ा नहीं बना पाया था अपने लिए दिल्ली में, रेपेट्री के पैसे तनख्वाह मिली तो कनॉट प्लेस से, तब रेंगलर की 500 रुपये की जीन्स आती थी, तो वो सुख, वो आनंद अलग है। और क्योंकि हमारे पास जब गाँव में थे, पिथौरागढ़ में रहते थे शहर में, तो एक ही पैंट होती थी जीन्स के नाम पे, दो जीन्स वाला तो बहुत अमीर माना जाता था, और दो जूते वाला भी अमीर माना जाता था उस टाइम, हमारे टाइम पे। आज हमको भी नहीं पता होता कितने जीन्स हैं या कितने कपड़े, लेकिन ना वो शौक रहा, जब शौक था तो जीन्स ही थी, प्रेस भी नहीं होती थी, हम तो गद्दे के नीचे डालते थे। तो उस हेमंत पांडे की ज़िंदगी और आज के हेमंत पांडे की ज़िंदगी दिखता हूँ, तो मेरा किसी से कंपटीशन करने का ख्याल ही मन में नहीं आता। मेरा उस लड़के से ये जो गाय भैंस चराता था गांव में, वही हेमंत पांडे यहाँ भी है, विदेश भी जा रहा है, ये भी जा, तो मैं 1 करोड़ गुना अपने आप में ग्रोथ पाता हूँ। अब हेमंत जी जब आप आ गए और अब करने लग गए, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे लाइफ में जिन्होंने तब मजाक उड़ाया होगा कि कुछ नहीं हो सकता, अच्छा नहीं होता, सभी मजाक उड़ाते थे, कुछ मजाक के किस्से बताइए, क्या क्या उड़े थे? अबे यार चला मुरारी हीरो बनने, पिथौरागढ़ की एक अलग तरह की टोन होती है वहाँ, अब नहीं मिला थी पिक्चरों में काम तो ये, क्योंकि दिल्ली में रहते थे, काम वाम है नहीं, न खाने को है, तो चुपचाप घर चले जाते थे, छुट्टी आया बोल के, और जाते ही लोग पूछते थे कब आया, तो आप बोलोगे आज आया कल आया, 2-3 और कब तक आया, 3-4 दिन हो गए, अबे तू जा नहीं रहा, तो उनकी वजह से भाग के आना पड़ता था। और अब वो इंतजार करते होंगे? हाँ अच्छा लगता है, उन लोगों को भी समझ में आता है, और अब तो चूंकि स्थिति एकदम अलग हो गई है। तो हेमंत जी कहीं ना कहीं यही बात, नए लोग जो आना चाहते हैं, जो एक सादे जीवन से आ रहे हैं, छोटे शहर से छोटे घर से आ रहे हैं, उनके साथ भी ये मजाक वाले पल आते हैं, यही इन्हीं चीज़ों को हिम्मत बनाना चाहिए उनको। अपमान सहने की आदत तो मुझे लगता है एक्टर बनने के लिए सबसे पहले होनी चाहिए। तो जब मेरे जैसा आदमी अगर इतना अपमान सहने के बाद ऐसी स्थिति तक जा सकता है, तो कोई भी नया लड़का या लड़की मुझसे 1000 गुना आगे जा सकते हैं। आपको सिर्फ धैर्य रखना है, आपको सहनशील होना है, क्योंकि अभिनय के लिए सबसे प्राथमिकता है, सबसे पहली बेसिक्स है लिसनिंग पावर, सुनने की शक्ति, क्योंकि जिसने सुन लिया उसको सिर्फ करना बाकी रह जाता है। गलती कहाँ होती है?
हमने ठीक से सुना, यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, कम ऑन सर, कुछ भी नहीं सुना उसने, ना सुना ना समझा। तो सुनना, जिसने अगर ध्यान से सुन लिया तो वो गलत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ब्रेन कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में वो आदेश चला जा चुका है एग्जैक्ट आपने क्या सुना। आपने गलत सुना तो भी जा चुका, फिर आप एक्टिंग में खराब करने वाले हो या किसी चीज में भी गलती करने वाले हो। तो लिसनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं हेमंत भाई कि एक्टिंग करना ही अपने आप में मुश्किल काम है, फिर कॉमेडी एक्टिंग तो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, और आप कॉमेडी इतनी सरलता से इतनी सहजता से करते आ रहे हो, कैसे पॉसिबल है सर? कॉमेडी को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, आनंद। और आनंद जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल जीन कोशिका ये महत्वपूर्ण है एक शरीर के लिए, वैसे ही आनंद भी यहाँ के लिए बहुत जरूरी है। ये अगर आनंद आपने लिया तो इधर जो अगर शरीर बीमार भी हो गया, अंग आपके खराब भी हो गए, तो इसकी वजह से वो हील होने शुरू हो गया, तभी सार्थक है। सकारात्मक सोच। मुंबई ने आपको क्या सबसे बड़ी चीज सिखाई? मुंबई ने मुझे प्रैक्टिकल होना। हाँ, मैं इमोशनल प्रवृत्ति का अभी भी हूँ, इसी बात पे चोटें भी खाते हैं, लेकिन मुंबई ने बड़ा फिल्म लाइन ने कह लिए एकदम प्रैक्टिकल सीखा होना सिखाया, समाज में जीना भी सिखाया। मुझे लगता है कि क्योंकि एक कलाकार होने के नाते आप इतने तरह के लोगों से मिलते हैं, इतनी जाति इतने धर्मों के लोगों से मिलते हैं, कि उन सब चीज़ों में जहाँ लोग अटके हुए हैं या उलझे हुए हैं उनसे आप आगे निकल जाते हो। तो व्यक्तिगत रूप से जो तरक्की होती है, या आज मैं जिस भाव से आपसे बोल पा रहा हूँ, ये मुझे मुंबई ने सिखाया। अच्छा। ये मुझे फिल्म लाइन ने दिया। मेरे पर्सनालिटी, अगर हेमंत पांडे अगर एक्टर नहीं होता तो शायद पता नहीं कहाँ होता, कीड़े वाली ज़िंदगी शायद जी रहे होते, मतलब पता नहीं किस रूप में जी रहे होते। तो मुंबई जो लगातार लगा रहता है उसको एक्सेप्ट करता है आपके सबसे? मैंने आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरे किसी दोस्त ने दिल्ली से फ़ोन किया कि उनके दोस्त की बेटी या कौन मालूम नहीं बॉम्बे आ रही है, इसकी मदद करना, और मेरे बड़े करीबी थे। मैंने कहा ठीक है। तो लड़की आई, उसने फ़ोन किया मुझे, मैंने कहा कि एक काम करो, वहाँ चले जाओ यारी रोड समुंदर के किनारे। उसको लगा मैं वहाँ जाऊँगा, मिलने आऊँगा उसको। मैं वहाँ गया नहीं, मैंने कहा फ़ोन करना वहाँ पहुँच के। तो बोली मैं पहुँच गई। मैंने कहा आप एक काम करो, एक पत्थर लो और एक पहले कागज लो। मैंने कहा तो मैंने कहा कागज को फेंको समुंदर में, फोन पे चल रहा है। हाँ, बोली फेंक दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोली वो गया और अब मेरे पास आ गया। मैंने कहा अब इसमें एक पत्थर डालो और कागज को उसके बाहर से लपेटो और फेंको। तो बोली फेंका। मैंने कहा क्या हुआ? करी डूब गया। मैंने कहा इतना ही शिद्दत चाहिए आपको मुंबई में, ये मुंबई आपको स्वीकार कर लेगी, आप हल्केपन में रहोगे, आपको मुंबई से स्वीकार नहीं करेगी। बहुत गहरी बात आपने बहुत आसान शब्दों में सिखा दी और समझा दी कि इतना भारी बनना पड़ेगा, वजन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे राइटर हो, चाहे एंकर हो, चाहे सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सामने वाले से की नज़र में आपको लगना चाहिए कि इससे बेहतर कोई है नहीं। राइट। हेमंत जी, ज़्यादातर जो आपके रोल लोगों को याद रहते हैं वो तो कॉमेडी के हैं, लेकिन बहुत सारे आपने अलग अलग किरदार भी निभाए जो बड़े ज़ोरदार हैं, उन किरदारों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, अभी एक फिल्म थी जस्ट 30 मिनट, एक फिल्म थी वाहताज, एक फ्लेम, इनमें मैं नेगेटिव रोल में था, और एक सीरियल भी मेरा किया था मैंने देवी। तो ये 2-4-5 रोल ऐसे थे जिनमें बहुत ही मानसिक रूप से इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ता था, एफर्ट लगते थे, एनर्जी, एक एक सेल, एक एक थॉट मेरे हेमंत पांडे से अलग होता चला जा रहा था। और बल्कि फ्लेम की शूटिंग के दौरान तो राजीव रुइया जी से हमारी बात हुई, मैंने कहा गुरु अब ऐसा है, आपने देख तो लिया है मैं कैसा रहा हूँ, कैरेक्टर समझ में आ गया, अब सीधे टेक करेंगे जो भी करेंगे। तो हम कैमरे की पोजीशनिंग के हिसाब से जगह देख लिए, मुझे खुद नहीं पता होता था मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे अंदर आग भरी रहती थी, अब मुझे ये वाला सीन में इससे बदला लेना है। तो खाली डायलॉग में बदला नहीं लेता था ना पूरा, तो हाँ उस इंटेंसिटी के साथ कि कट के बाद ना गिर जाता था, इतना थक जाता था, पूरी इंटरनल एनर्जी पूरा फ्लो होता ना उसमें। वो एक अलग तरह का अभिनय है, अलग तरह का अनुभव है जो मेरे जीवन में 2-4 बार हुआ है। हेमा जी, ये जो किरदार की बात हुई, इस तरह का एक जोरदार किरदार वाला, एक बढ़िया डायलॉग पब्लिक के लिए जरा एक डायलॉग, मेरी फिल्म का ही डायलॉग है, उसमें मैं माँ बाप जो बच्चों के साथ जो रिश्ता होता उस पर मुझे कोई बोलता है कि आपके तो औलाद ही नहीं है, और तब वो बोलता है कि या अल्लाह मैं बे औलाद ही सही, लेकिन तमाम उन औलाद वालों से तो बेहतर हूँ जो अपनी औलाद को अपने जिगर का टुकड़ा तो बोलते हैं लेकिन उस जिगर के टुकड़े की आवाज़ नहीं सुन सकते।
क्या बात है, इसे बोलते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग। कि अभी इंटरव्यू के बीच में बैठे हैं और एकदम से उन्होंने उस मूड में उस जोन में जाके पूरा का पूरा डायलॉग बोल दिया। कमाल की एक्टिंग सर, कमाल। थैंक यू सर। एक एक्टर के तौर पे आपको क्या लगता है, एक राइटर का और डायरेक्टर का आपको कितनी हेल्प मिलती, कितना तालमेल जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि राइटर के साथ, राइटर ने पैदा किया होता है कहानी को, वो हीरो है मेरी नज़र में, और डायरेक्टर उसका जहाज है, उसका कैप्टन है कि वो कैसे उसको ले जाएगा। राइट। हम एक किरदार करते हैं, हम अपनी तरफ से उस किरदार को इतना अच्छा करते हैं कि डायरेक्टर और राइटर की कल्पना से भी बेहतर, क्योंकि हमारे पास एक ही जिम्मेदारी है, प्रेजेंट करना उसको। हाँ, डायरेक्टर के पास कई जिम्मेदारी है, उसके सारे आस्पेक्ट्स देखने हैं, सब कलाकारों की परफॉर्मेंस देखनी है, कम ज़्यादा देखनी है, नहीं है तो निकलवानी है। हमारा एक ही काम है, हमारा रोल, तो हम उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं सच में, तो फिर वो आपके सोच से बेहतर बनता है। राइट। अब क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं, पब्लिक का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गया, डिजिटल मीडियम आ गया है, ऐसे में आप इस एरा को क्या मानोगे सिनेमा का? देखो, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपको बोलूँ, मैंने अपनी लाइफ को डिस्कवरी टाइप समझ रखा है। जैसे डिस्कवरी में आते हैं ना, बोलते हैं कि वहाँ आप जाते हैं और वहाँ एकदम खुली हवा, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही मैंने एक्टिंग को और अपने जीवन को ले लिया है कि आप सीधे घर से निकलते हैं और शूटिंग में जाते हैं, वहाँ पर आपको नाश्ता मिलता है जो एकदम मुफ्त होता है और मेरे लिए काफ़ी है, और फिर शूटिंग होती है, शूटिंग के बाद पैकअप बोलता है डायरेक्टर, तो उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है और बदले में आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और मेरे खुश रहने के लिए काफ़ी है। क्या बात है। तो मैं ज़िंदगी को ऐसे लेता हूँ। अच्छा। मेरा अभी कोई कंपटीशन नहीं, मेरा कुछ किसी से कोई तालमेल नहीं, कोई घालमेल नहीं, कुछ नहीं। हाँ। जो परमात्मा प्रभु ईश्वर जो काम देता है, हाँ। चार दिन पांच दिन का भी अगर होता है तो उससे आपके पूरे महीने का राशन चल जाता है, जो मेरे लिए काफी है। देश दुनिया, अब हरिद्वार में मैं शूटिंग कर रहा था, आप सोचिए पूरा देश पूरा विश्व हरिद्वार जाता है तो पैसा खर्च करके आता है। हम अकेले एक्टर ही ऐसा होता है जो वहाँ शूटिंग में जाता है और पैसा लेके भी आता, लेके भी आता है और दर्शन भी कराता। हाँ, अभी ग्रीस जा रहा हूँ, यूरोप जाऊँगा 20 दिन के लिए। हाँ। तो हमारे ना कोई पैसे लगने, ना कुछ, ना वीज़ा के पैसे, ना कुछ, पूरी शूटिंग में जाएंगे, 21 दिन शूटिंग करेंगे, बढ़िया होटलों में रहेंगे और बदले में आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे जो मेरे लिए तो काफ़ी है। तो संतुष्टि का भाव मुझे लगता है जीवन में आपके जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो पूरा आगे की जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्योंकि हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बोलते हैं मेरा साबुन चोरी हो गया, मेरा 1200 रुपए का साबुन था वो, अब वो साबुन को उसने स्टेटस बनाया, चोरी हो गया तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो शौक ऐसे पालो कि मतलब चीजें ऐसे रखो, वो पार्ट है ना, अभी किसी गाड़ी में आपके लग गई तो इसका मतलब आप गोली थोड़ी मार दोगे, तो पार्ट है उसका, इंश्योरेंस करा, वो टूटेगी भी फूटेगी भी, सल चलेगी तो सब होगा। तो वो उन चीज़ों से लगाव वाला मैं नहीं चाहता। देखिए, हाथ से प्रयास के साथ ही बहुत गहरी गहरी बातें भी सीखने को और समझने को मिली। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। जनरली क्या है, फिल्मी लोगों के बीच इंटरव्यू होता है तो वो मेरी एक पिक्चर आ रही है ऐसा टाइप होता है। आज आपके साथ बहुत समय के बाद ऐसा और भी कई लोगों के साथ मेरा हो चुका जिसके साथ थोड़ा इत्मीनान से बात हुई हो। सो फ्रेंड्स, ये थे हेमंत पांडे जी, यानी कि पांडे जी, जो बहुत ही हिट सीरियल हुआ था ऑफिस, और मेरा भी उससे एक जुड़ा हो रहा, जैसा मैंने बताया कि उसमें करीब 25-26 प्लॉट आइडिया जो थे वो मैंने राइटिंग टीम को दिए थे, उस पर बने और बड़े पॉपुलर भी हुए। लेकिन आज के वीडियो में, हेमंत पांडे जी के वीडियो में बहुत सारी बातें आपके सीखने के लिए। पहली बात तो ये कि आप किसी भी गांव से, छोटे से कस्बे से निकल कर भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं और इंडस्ट्री पब्लिक आपको एक्सेप्ट करती है अगर आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। हेमंत जी आए अपनी पूरी तैयारी करने के बाद इंडस्ट्री में, इसलिए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको सक्सेस भी मिली। दूसरी बात, सक्सेस बड़ी या छोटी नहीं होती, ये इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाता है। देखिए, हर एक्टर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह बनाता है, किसी और की जगह नहीं लेता है। तो हमेशा आप दिमाग में ये रखिए कि एज एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर, आपको काम करते जाना है, लगातार काम करते जाना है। फिर भले ही आप उसको किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए कि अरे यार वो तो स्टार है, वो तो सुपर स्टार है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आप एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं। और उनकी बातों से साफ झलकता है कि हर चीज़ में आनंद में रहते हैं, मज़े में रहते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको अपने काम के साथ साथ एक संतुष्टि वाला भाव भी रखना चाहिए, तभी बहुत अच्छा भी लगता है और लाइफ बड़ी आसानी से गुजरती भी है। एक और बात कि अब वो इस प्रोफेशन को इस तरह से देखते हैं कि भाई इसके द्वारा वो अपने माँ बाप के भी सपने पूरे कर पा रहे हैं, उनको साथ में घुमा पा रहे हैं, विदेशों में ले जा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से थैंक्स भी कह रहे हैं प्रोडक्शंस को और
एक एक्टिंग प्रोफेशन को कि भाई देखिए कोई लोग भी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो पैसा खर्च करते हैं, मैं तो जाता हूँ, घूमता भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, दर्शन भी कर जाता हूँ और पैसे प्रोडक्शन देता है। तो यही मज़ा है इस फील्ड का। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के वीडियो और भी लाता रहूँगा, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। वीडियोज़ को बार बार फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ से भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जॉइंट फिल्म्स यूनिवर्सिटी की नॉलेज पहुँच पाए। क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपके जितने दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, मन में सवाल उठते हैं, वो सारे आंसर के रूप में यहाँ वीडियो अवेलेबल है। प्लीज़ उनको देखिए और अपना करियर बनाइए, आप ज़िंदगी में कामयाब हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।